नमस्कार दोस्तों। दोस्तों परिवार में प्रेगनेंसी की खबर आते ही खुशियों की लहर सी दौड़ जाती है, लेकिन महिला के लिए वही काफ़ी जिम्मेदारी आ जाती है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम प्रेगनेंसी में ध्यान रखने योग्य कुछ बातें आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों इससे भी पहले हमने काफ़ी कुछ प्रेगनेंसी के संबंध में आपको अपने वीडियोस के माध्यम से बताया है, काफ़ी सारी टिप्स दी हैं। इस वीडियो में भी हम आपके लिए 5 टिप्स लेकर आए हैं। आई होप, हमें उम्मीद है कि आपके ये काम आएंगी। दोस्तों चर्चा करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं और साथ ही साथ आपसे गुजारिश करते हैं कि आप उन वीडियोस को भी जरूर देखें जिनमें हमने पहले भी टिप्स दिए हैं। दोस्तों चर्चा करें उससे पहले हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों प्रेगनेंसी वह समय होता है जिसमें आप जितना अधिक अच्छा ध्यान रख लो, इन फ्यूचर आपको उतनी ही कम परेशानी का सामना करना पड़ेगा। प्रेगनेंसी के लिए कुछ टिप्स इस प्रकार से हैं। प्रेगनेंसी के समय जितना आराम करना ज़रूरी होता है, उतना ही सुबह शाम वॉकिंग करना भी आवश्यक होता है, घूमना भी ज़रूरी होता है। हमें प्रेगनेंसी के समय अपनी दिनचर्या में, लाइफस्टाइल में बैलेंस बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आराम भी उतना ही ज़रूरी है और शरीर के लिए आवश्यक एक्टिविटी भी उतनी ही ज़रूरी होती है। बस ध्यान इतना रखना है कि प्रेगनेंसी के समय एफर्टलेस एक्टिविटी, अर्थात जिसमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ऐसे कार्य पर ध्यान देना चाहिए जिसमें ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए आप घूमने जा सकती हैं। अब जैसे ही खबर लगती है कि महिला गर्भवती है, तो महिला जिस गति से अपना दिनचर्या को एग्जीक्यूट कर रही थी, कार्य कर रही थी, उतनी तेज गति से उस पर ब्रेक भी लग जाता है, कार्य रोक दिए जाते हैं, आराम करने की सलाह दी जाती है। अब व्यक्ति आराम भी कितना करेगा, क्योंकि हमारा दिमाग तो चल रहा है, कुछ ना कुछ तो करना ही होता है। इसलिए महिलाएं कभी कभी टीवी का सहारा लेने लगती हैं। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, थोड़ा बहुत टीवी देखा जा सकता है, मात्र थोड़ा बहुत ही, क्योंकि टीवी से निकलने वाली रेडिएशन हार्मफुल होती है। जैसे कि आपको पता ही है कि कोई व्यक्ति ज़्यादा टीवी देखता है तो उसे चश्मा लगने के चांसेज उतने ही ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब है कि उसमें से खतरनाक रेडिएशन निकलती हैं। तो यह आपके अत्यधिक कोमल गर्भस्थ शिशु के लिए कितना खतरनाक है, आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकती हैं। तो इसलिए टीवी कम से कम देखें, कोशिश करें दूसरे एफर्टलेस कार्यों में अपना मन लगाएं। अगर व्यक्ति यह पहचानने में अपना थोड़ा सा समय लगाए कि उसे कौन कौन सी चीज़ें खाने में नुकसान देती हैं, कौन कौन सी चीज़ें फ़ायदा देती हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, वह बीमार भी कम पड़ता है, कम शारीरिक नुकसान उठाना पड़ता है। प्रेगनेंसी के समय तो यह चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप दही खाते हैं और किसी भी मौसम में दही खाते हैं, आपका गला बैठ जाता है, जुखाम हो जाता है या दूसरे तरह की परेशानी हो जाती है, लेकिन आपको दही खाना बहुत पसंद है, उसके बाद भी आप खाते हैं। अगर इसी प्रकार से कोई सी भी सिचुएशन आपके प्रेगनेंसी के समय आती है तो आप ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना खाएं जो आपको पसंद है लेकिन आपको एलर्जी या परेशान करती हैं, आपको रोगी बना देती हैं। खासकर प्रेगनेंसी के समय में आपको ऐसी चीज़ों को खाने से बचना है, उन्हें अवॉइड करें, उनसे दूर रहें। प्रेगनेंसी के समय महिलाओं को अक्सर थकावट और काम ना करने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है। यह सब प्रेगनेंसी हार्मोन की वजह से हो सकता है। इस वजह से महिलाएं कभी कभी बाहर से भोजन खाना पसंद करने लगती हैं। हम मानते हैं कि प्रेगनेंसी में आराम की अत्यधिक आवश्यकता होती है, लेकिन अगर आप बाहर खाना खाने जा रहे हैं तो अपने भोजन का विशेष ध्यान रखें। आप इस प्रकार का भोजन बिल्कुल भी ना खाएं जो सड़क के किनारे या किसी होटल में खुले में रखा गया हो। इस प्रकार का भोजन संक्रमित हो सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय महिला की इम्यूनिटी शक्ति पावर थोड़ा कमज़ोर होती है, तो वह जल्दी इन्फेक्शन पकड़ लेती है, अर्थात संक्रमण महिला को जल्दी हो सकता है। तो आपको इस प्रकार का भोजन बिल्कुल भी नहीं खाना है जो खुले में रखा हो, जैसे कि समोसा, टिक्की, बर्गर, पाव भाजी, अन्य किसी प्रकार का भोजन जो भी खुले में हो आपको पसंद है ना खाएं। अगर महिला घर पर ही भोजन तैयार करती है, घर की कोई सदस्य घर पर ही भोजन तैयार करती है, तो भोजन की शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। भोजन शुद्ध भी होता है और अच्छा भी होता है, पौष्टिक भी होता है। लेकिन अगर आप एकल परिवार में रह रहे हो, कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि बाहर का खाना पैक करवा कर मंगवाने की आवश्यकता पड़ जाती है, तो कोशिश करें आप किसी ब्रांडेड जगह से ही खाना मंगवाएं जहाँ पर शुद्धता की गारंटी होती है, क्योंकि आने वाला खाना शुद्ध और साफ़ होगा। अगर आप स्वयं जाकर खाना लेकर आ रहे हैं तो इस बात को ज़रूर देखें कि जो खाना आपने पैक कराकर ले जा रहे हैं, जहाँ से आप खाना ले रहे हैं, वहाँ पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता हो, यह भी बहुत ज़रूरी है।
दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमसे इस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं या अपनी कोई बात रखना चाहते हैं या हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।